हे ऑल, वेलकम बैक। आज मैं बनाने वाली हूँ सॉफ्ट टॉय डॉल्फिन। देखते हैं उसके लिए क्या क्या मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। हमें चाहिए पिंक फेल्ट, आप वाइट या ब्लू कलर भी ले सकते हैं। डॉल्फिन का पेपर पैटर्न जो मैंने पहले से बनाया हुआ है। मार्किंग के लिए ब्लैक मार्कर, नीडल एंड थ्रेड, अगर आपके स्विंग मशीन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ कट बीड्स फॉर आइज और फाइबर। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो सबसे पहले पिंक फेल्ट पे हम लोग पैटर्न रख लेते हैं। सारे पैटर्न्स कट्टू हैं, मतलब हमें इन सब के दो दो पार्ट्स चाहिए। ये जो छोटा वाला फिन है इसके हम लोग को 6 पार्ट चाहिए, इसलिए मैंने कट 6 लिखा हुआ है। चलिए ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं मार्कर से। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जब हम उसी पैटर्न को दोबारा ट्रेस कर रहे हो तो उसको पलट लें, ताकि दोनों पैटर्न सीधे कटें। ये मैंने सारे पैटर्न ट्रेस कर लिए हैं, इनको कट करना स्टार्ट करते हैं। प्लीज शार्प सीजर्स यूज करिए, ताकि आपके एजेस फ्रे ना हो। मैंने सारे पार्ट्स कट कर लिए हैं, ये सबके दो दो पार्ट्स हैं। मैंने दो फिन पहले से स्टिच कर लिए हैं, देखते हैं अब कैसे इसको स्टिच करना है। राइट साइड को अंदर की तरफ और रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ रखें और इस पर रनिंग स्टिच स्टार्ट करें। रनिंग स्टिच बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना है। मैं बहुत थोड़ा सा एज ले छोड़ रही हूँ। इसको मैं पूरा स्टिच कर लेना है, नीचे का पार्ट छोड़ देना है। लास्ट में नॉट जरूर बांधें, ताकि आपकी स्टिचिंग खुले ना। अब इसको पलट लेते हैं। सीजर्स की हेल्प से इसके कॉर्नर्स को बाहर पुश करेंगे। ये देखिए पूरा फिन रेडी हो गया है। डॉल्फिन के अपर पार्ट को स्टिच कर लेंगे, बीच में फिन को प्लेस करेंगे और अपर पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। देखेंगे तो फिन सही जगह पर प्लेस हुआ। नीचे का पार्ट भी स्टिच कर लेंगे और अप्रॉक्स 2 इंचेस छोड़ देंगे, ताकि हम फाइबर फिल कर सकें इसमें से। अभी हम साइड का फिन भी प्लेस करेंगे और स्टिच कर लेंगे। यहाँ से पूरा यहाँ तक स्टिच करना है। वैसे ही अब हम दूसरी साइड का भी फिन प्लेस करके स्टिच कर लेंगे। ये बैक वाला फिन भी हम स्टिच करके इसको पलट लेंगे। सीजर की हेल्प से कॉर्नर्स को पुश करके बाहर निकाल लेंगे। अभी हम इसको फिश की टेल से अंदर डालेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि स्पेस बहुत कम है यहाँ पर। Thank you.
इसको भी स्टिच कर लेंगे। ये पूरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम यहाँ से पूरा पलट लेंगे। थोड़ा सा खाली लग रहा है, अब हम इसमें फाइबर भरेंगे तो ये अपना शेप ले लेगी। पहले हम फिशटेल में फाइबर फिल करेंगे, अगर लास्ट में वहाँ पर करेंगे तो फाइबर उसमें फिल करने में परेशानी होगी। फिश की पूरी बॉडी में फाइबर फिल करेंगे। तो अब ये लास्ट पार्ट है स्टिचिंग का। हाफ कट बीड्स को आइस की जगह पर प्लेस कर देंगे। ये डॉल्फिन कंप्लीट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और सॉफ्टवेयर ट्राई करूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।